साई तेरा साई सबका प्यारा भव सागर से सबको साई तारण हारा साई भिक्षाम देही भिक्षाम देही ओ माई भिक्षाम देही माई साई मेरा साई तेरा साई सबका प्यारा भव सागर से भिक्षाम देही क्यों चिल्ला रहे हो तुम चिल्ला नहीं रहा हूँ भिक्षा मांग रहा हूँ मैंने भिक्षा दी तो तुम मुझे क्या दोगे दुआ दूंगा आशीर्वाद दूंगा आशीर्वाद और दुआ से पेट भरता है क्या आशीर्वाद से लाभ होता है मुझे तो कभी लाभ नहीं हुआ हुआ है तो सिर्फ नुकसान दुआओं से जो लाभ होता है उसे देखने के लिए आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए उसको मन की आंखों से देखना चाहिए तभी उसे सर्वशक्तिमान मालिक के दर्शन होते हैं मालिक के दर्शन जब होंगे तब होंगे मुझे इस वक्त तुम्हारे दर्शन नहीं चाहिए चल भाग यहां से भिक्षा नहीं दोगे भागता है या तू एक विनायक तुम ये क्या कर रहे हो साईं बाबा का अपमान कर रहे हो साईं बाबा मालिक हैं, भगवान हैं। मालिक मालिक को तो लोगों के दुख दर्द दूर करने चाहिए ना लेकिन खुशाल चंद तुम्हारे इस मालिक ने तो मुझे सिर्फ दुख और दर्द ही दिया है तुम होश में तो हो विनायक होश तो अब उड़ गए हैं मेरे मुझे भगवान पर विश्वास ही नहीं रहा अब और इस साईं बाबा पर विश्वास कैसे रहेगा इसी की वजह से आज मेरी पत्नी अपाहिज हुई है खुशाल चंद तुम्हारी ये साईं बाबा कुछ दिन पहले इसी तरह भिक्षा मांगने मेरे दरवाजे पर आए थे भिक्षाम दे ही माई और मेरी पत्नी विमला इसे भिक्षा देने गई विमला तुम्हारी ये साईं बाबा भिक्षा लेने नहीं मेरे परिवार का सुख चैन छीनने आए थे और आज क्या छीनने आए हैं मेरी पत्नी विमला के प्राण उसे कहो खुशाल चंद मेरे घर के सामने ना आए चले जाओ यहां से चलिए बाबा ना तो हम आपका अपमान देख सकते हैं ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं चलिए खुशाल चंद कभी कभी मालिक भक्तों के दरवाजे पर दस्तक देता है कुछ लेने के लिए और कभी कभी कुछ देता भी है जो लेता है वो अपने भक्तों के दुख दर्द उनकी दुर्दशा उनकी बदनसीबी उन पर गिरने वाले संकट की बिजली भी अपनी झोली में डाल लेना चाहता है मालिक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है होनी को अनहोनी में बदलने की ताकि उसका भक्त बच जाए ये जानते हुए भी कि होनी को अनहोनी में नहीं बदला जा सकता ये जानते हुए भी कि जो कुछ भी होता है उसी के नियमों के अनुसार ही होता है अपने कर्मों का फल हर किसी को भुगतना ही पड़ता है खुशाल चंद मालिक भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता इसीलिए तो कहते हैं होनी होकर रहती है इंसान मालिक को तन की आंखों से देखता है और पहचानता नहीं मालिक इंसान के दरवाजे पर दस्तक देता है अपने भक्त को राहत देना चाहता है परंतु समय बड़ा बलवान है खुशाल चंद इंसान कुछ क्षणों की देरी करता है और कर्म बंधन से अपने जिस भक्त को मालिक छुटकारा दिलाना चाहता है वही भक्त
उस कुछ क्षणों की देरी की वजह से अपने कर्मों के बंधन में बंध जाता है और अपने कर्मों का फल भोगने लगता है और दोष देता है उसके लिए मालिक को। विमला, विमला, क्या हुआ तुम्हें? विमला, दर्द हो रहा है? कुछ तो बोलो विमला। क्यों चीखे तुम? तुम क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ विमला। विमला कुछ तो बोलो विमला, कुछ तो बोलो विमला, कुछ तो बोलो। मत रो माँ, मैं समझ गया हूँ तुम्हें क्या चाहिए। तुम जैसा चाहती हो माँ मैं वैसा ही करूँगा। पिछली बार आप साई बाबा को भिक्षा नहीं दे पाई थी ना, इसीलिए आप बीमार पड़ गई ना। अब हम साई बाबा को भिक्षा दे देंगे, फिर तुम ठीक हो जाओगी ना माँ। खुशहाल जन्म। कभी कभी मालिक भक्तों के दरवाजे पर दस्तक देता है कुछ लेने के लिए, और कभी कभी कुछ देता भी है। जो लेता है वो है उसके दुख दर्द, उनकी दुर्दशा, उनकी बदनसीबी। इंसान कुछ क्षणों की देरी करता है और कर्म बंधन से अपने जिस भक्त को मालिक छुटकारा दिलाना चाहता है वही भक्त उस कुछ क्षणों की देरी की वजह से अपने कर्मों के बंधन में बंधा जाता है और अपने कर्मों का फल भोगने लगता है और दोष देता है उसके लिए मालिक को। बाबा, साई बाबा। बाबा, बाबा, साई बाबा, पिताजी, पिताजी, माँ ठीक हो गई। साई बाबा, 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 उठो। साई बाबा, कितनी प्रतीक्षा करवाई आपने? मैंने अवश्य ही कोई पाप किया है जिसकी वजह से वो सब रोग मुझे भुगतने पड़े। आज आपने मेरे दुख दर्द, मेरी दुर्दशा को अपनी झोली में डालकर दुनिया को दिखा दिया। आप भक्त वत्सल हैं, करुणा निदान हैं। बाबा, 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 हमें क्षमा कीजिए बाबा। बाबा, आपकी कृपा हम पर बनी रहे बाबा। बाबा, अपनी कृपा दृष्टि से
इसी तरह हमें और हमारी गलतियों को माफ कर दीजिएगा बाबा। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। सबका मालिक हे सबका प्यारा भव सागर से सबको साई तारण हारा साई। ओंडिया ये क्या हो रहा है? वैजी साई बाबा के गुणगान सुन रहा हूँ दोनों महर्षियों से। राम राम राम। वैजी हमें भी तो अपनी हंसी में शामिल कीजिए। आखिर किस बात पर आप इतना खुश हो रहे हैं? द्वारिकानाथ जी अब तो ये ढोंडिया है ना पागल हो गया है। कहता है कि महर्षि उस ढोंगी साईं बाबा का गुणगान कर रहे हैं। नहीं नहीं आप ही बताइए क्या आपके गुरुदेव उस ढोंगी साईं बाबा का गुणगान कर सकते हैं? नहीं नहीं बताइए ना। अरे नहीं कर सकते हैं वैजी। वैजी हम भी तो सुने कि मेरे गुरुदेव आखिर किसका गुणगान कर रहे हैं? सावधान महर्षि। हाँ महर्षि। ढोंडिया ने हमें इशारा किया है। अच्छा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मे श्री गुरुदेव नमः। अरे मूर्ख नारायण ढोंडिया गधे बहरे। अरे द्वारिकानाथ जी के गुरुदेव अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं और तू कहता है कि वो महर्षि उस ढोंगी साईं बाबा का गुणगान कर रहे हैं। हाँ महर्षि ढोंगी ने समय नष्ट किया। ढोंडिया अब जाओ हम सबके लिए नाश्ता बना के ला। अरे खाने के सिवा कुछ सूझता है जब देखो खाओ खाओ खाओ। ढोंडिया मुझे क्रोध मत दिला तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे कच्चा बाद में चबाना। वैजी गुरु देवों से पूछ लीजिए कि इन्हें नाश्ते में क्या चाहिए। हमने कुछ और बना दिया और इन्हें पसंद नहीं आया तो। राम 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 द्वारिकानाथ जी आज ढोंडिया ने अकल की बात की है। अरे छोड़िए अकल तो ये कब की बेटिका। गुरुदेव तो मेरे हैं। मैं पूछता हूँ जाकर। उन्हें पूछने के लिए वक्त ही नहीं मिला शिवु। पूछने से पहले ही दोनों महर्षि वैद्य के घर चले गए और अब स्थिति ऐसी है कि उन्हें यदि पूछना है तो हमें वैद्य के घर जाना होगा। तो हमें वैद्य के घर चलना चाहिए गुरुजी। क्या वैद्य के घर? नहीं नहीं सुशीला वो इंसान छली है कपटी है। जहां छल हो कपट हो वहां मेरा जाने का मन नहीं करता। द्वेष क्रोध लोभ मोह
ये सभी एक प्रकार का विकार है गुरुजी। साईं बाबा ने यही बातें कही थी ना, उन्होंने कहा था अगर सत्संग का लाभ लेना है तो हमें इन सभी विकारों से बचना चाहिए। हाँ, हाँ सुशीला, तुमने ठीक कहा। वह जी चाहे जैसे भी हो, हमें उनके व्यवहार पर नहीं जाना चाहिए। वो आगे आने दो। प्रणाम गुरुदेव। हमारा भी प्रणाम स्वीकार हो। तुम सबका कल्याण हो वत्स। द्वारिका नाथ जी, गुरुदेवों से जल्दी पूछिए ना, मुझे भूख लग रही है। ढोंडू, तुम्हें भूख लगी है? तुम तो कुछ खाते नहीं हो। द्वारिका नाथ, तुम हमारे परम शिष्य हो। शिष्य? तुम्हें देखते ही हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ, बच्चे की तरह गोल बटोल है इसलिए ना। चुप। गुरुदेव, आप क्या नाश्ता करेंगे? अर्थात तुमने हमारा नाश्ता नहीं बनाया? भोलेनाथ, नहीं, भिक्षा तो मांग कर लाई होगी द्वारकानाथ। भिक्षा? तुम भूल रहे हो मंद बुद्धि द्वारकानाथ कि हम भिक्षा मांग कर ही अपना आहार ग्रहण करते हैं। बम बम भोले, तुम अभी इसी वक्त भिक्षा मांगने के लिए घर घर जाओ द्वारकानाथ, और हमारे लिए सिर्फ 5 घरों से भिक्षा लेकर आओ। और यदि 5 घरों से भिक्षा नहीं मिली तो ना हम भोजन करेंगे। ग्रहण करेंगे और ना ही हमारे ये शिष्य हमारे साथ भोजन ग्रहण करेंगे। बम बम भोले, राम राम राम, मतलब हम भी भोजन नहीं कर सकते जी। द्वारिका नाथ जी को जल्दी भिक्षा मांगने भेजिए ना, 5 घरों से भिक्षा लाएंगे तब हम खाएंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। बम 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 भोले। इसका अर्थ है नूर बहन कि हमें वैद्य जी के घर जाकर उन दोनों महर्षियों के दर्शन करने चाहिए। हाँ, वो तो ठीक है, परंतु वहाँ जाने पर हमें उस पाखंडी द्वारिकानाथ के भी तो दर्शन करने पड़ेंगे जो हम नहीं चाहते। वैद्य जी, लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। क्यों? अरे नालायक, विठल माउली की कृपा से हमारे घर में अन्न की कोई कमी है क्या? नहीं, कमी तो नहीं है, लेकिन जब तक द्वारिका नाथ जी भिक्षा मांगकर नहीं लाएंगे हम कुछ खा नहीं पाएंगे ना। अरे सत्य वचन ढोंडिया, सत्य वचन। वैद्य जी, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे फुदक फुदक करके दौड़ रहे हैं और गधे ढेंचू ढेंचू कर रहे हैं। आपके पेट में तो शेर दौड़ रहे होंगे। हाँ ढोंडिया, द्वारिका नाथ जी, अरे आप अभी तक यही हैं? आप गए नहीं अपने गुरुदेवों के लिए भिक्षा मांगने? हा? अरे आप भी कमाल कर रहे हैं वैद्य जी। अरे मैंने कमाल किया और मुझे ही नहीं पता क्या कमाल किया मैंने? अरे मेरे गुरुजनों को क्या सपना आएगा कि मैं भिक्षा मांगने गया हूँ या नहीं? क्या मतलब? अरे पहले नाश्ता बन जाने दीजिए, जब नाश्ता बन जाएगा तो मैं वही नाश्ता अपने गुरुओं के समक्ष पेश कर दूंगा कि यही मिला है भिक्षा में, खा लीजिए। अरे वाह वाह वाह, धन्य है आप, द्वारिका नाथ जी प्रणाम। किंतु भगवान, आपके गुरुओं को अगर असलियत का पता चल गया तो? छोड़ो जीवा जी, मेरे गुरुजन कौन से अंतर्यामी है जो जान जाएंगे कि मैं नाश्ता भिक्षा में लाया हूँ या यहीं बना है। वत्स ढोंडू, तनिक शिष्य द्वारिका नाथ को अंदर भेजो। अरे गुरुदेव, आपके शिष्य द्वारिका नाथ जी भिक्षा मांगने गए। जमींदार साहब,
बंटवारा कीजिए। लेकिन माँ, मैं बंटवारा नहीं चाहता हूँ। अगर बंटवारा नहीं चाहते हो तो क्या चाहते हो रघु? हम सभी एक साथ रहे, जैसे रह रहे हैं। ये तो अब संभव नहीं है रघु। हम इस मनहूस के साथ नहीं रह सकते। अगर तुम इस मनहूस के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारा साथ छोड़ना होगा। अगर ऐसा ही है माँ, तो मुझे बंटवारा मंजूर है। बंटवारा? रघु, तुम ये क्या कह रहे हो? वही कह रहा हूँ भैया, जो आप सभी चाहते हैं, जो माँ चाहती है। मैं पहले भी बंटवारे के खिलाफ था और अब भी हूँ, लेकिन बात अब मेरी पत्नी के मान सम्मान की है। मेरी पत्नी मेरा अभिमान है माँ, उसका मान और सम्मान ही मेरे लिए सब कुछ है। उस मान सम्मान के लिए मुझे बंटवारा मंजूर है। लेकिन बंटवारा मुझे मंजूर नहीं है जी। जानकी, मैं नहीं चाहती हूं कि आप अपने परिवार से अलग रहें। मैं मायके चली जाऊंगी। मुझसे अलग रहोगी? लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता जानकी। मुझे माँ और पिताजी के बंटवारे का फैसला स्वीकार है, लेकिन तुमसे अलग रहना स्वीकार नहीं है। इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास ही रहोगी, मेरे साथ रहोगी, मेरा साथ दोगी। पिताजी, बंटवारे के बारे में तुम्हारी माँ ही तुम्हें बताएगी रघु। तुम अपने फैसले पर अडिग हो रघु? जी माँ। तो फिर सुनो, हवेली के बाहर जो गायों का तबेला है वो तुम्हें रहने के लिए दिया जाता है, और गांव से बाहर हमारे खेत से दूर जो जमीन है वो तुम्हें दी जाती है। लेकिन वो तो बंजर जमीन है माँ जी। मुझे स्वीकार है भाभी। वाह रे मालिक वाह, आपने इंसान भी बनाया तो बहुत कमाल का बनाया है मालिक। अपने ही अपनों को पराया बना देते हैं, उससे ईर्ष्या भी करते हैं, और ईर्ष्या भी इस हद तक मालिक कि अपने ही बच्चों का सुख भी कोई अहमियत नहीं रखता। वाह साईं वाह। साईं, तुम जाने अनजाने जो कुछ भी कहते हो वो सच्चाई होती है। गुरुदेव, सब आप ही की तो कृपा है ना। राता में तो तुम्हारी ही कृपा के चर्चे हैं साईं, और तुम मेरी कृपा की बात करते हो। मैं समझा नहीं गुरुदेव। साईं, राहता के लोग कहते हैं कि साईं बाबा की झोली में भिक्षा डालते ही विमला की बीमारी भाग गई। ये तो लोगों का प्यार बोल रहा है गुरुदेव, करने वाला तो वो मालिक है।
विमला ठीक हुई है तो इसमें भी मालिक की कोई लीला है। बनाता भी वही है और बनाया हुआ बिगाड़ता भी वही है। उसका खेल भी निराला है गुरुदेव, सब उसी की लीला है कि जब एक औरत मां नहीं बनती तो रोती है, कलपती है, हर उस द्वार पर जाकर माथा टेकती है जहां उम्मीद हो। लेकिन वही एक मां एक दिन अपनी ममता का गला घोटकर अपने अहंकार के लिए बंटवारे की दहलीज पर खड़ी हो जाती है। वाह साईं, वाह वाह। और वो बंटवारा एक के हिस्से सुजलाम सुफलाम से भरी जमीन देता है तो दूसरे के हिस्से बंजर जमीन। इंसान मालिक की शक्ति को नहीं पहचानता। अगर उसकी कृपा हुई तो बंजर जमीन में भी फसल उग सकती है और फसल उगाने वाली जमीन भी बंजर हो सकती है। तुमने ठीक कहा साईं, शांति और समाधान ही परिवार के कहने हैं। लेकिन वही इंसान अहंकार को अपना अलंकार मानकर उसी शांति और समाधान को ध्वस्त कर देता है। और जो दिल टूट जाते हैं वो टूटा हुआ दिल जुड़ता भी है गुरुदेव। एक मरहम मालिक ने बनाया है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है और वो मरहम है समय। सबका मालिक एक। अपने आंसू पोंछ लो जानकी, हमें अब अपने घर में जाना होगा। अपना घर? हाँ, अपना घर जो हवेली के बाहर गायों का तबेला है वही। जानकी, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। हाँ, क्योंकि तुम ही मेरी सब कुछ हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए आप। तुमने कोई अपराध ही नहीं किया है जानकी, फिर माफी किस बात की? अगर कोई अपराध भाव तुम्हारे दिल में है तो उसे तुम्हारे दिल से निकाल दो, वरना कमजोर पड़ जाओगी। जानकी, तुम मेरी शक्ति हो, मेरा साथ दो। हम दोनों मिलकर अपने नए घर को स्वर्ग बनाएंगे। आप जहां होंगी वही घर मेरा स्वर्ग होगा। तो जल्दी से अपना सामान बांध लो, फिर हमें अपने नए घर में जाना होगा। प्रणाम गुरुदेव। नाश्ता लाए हैं गुरुदेव। जी, गुरुदेव तो नाश्ते को छू भी नहीं रहे। इनसे कहिए जल्दी खा ले, मुझे भूख लग रही है। तुम चुप हो जाओ ढोंढिया। नाश्ता ग्रहण कीजिए गुरुदेव। हाँ हाँ, नाश्ता शुरू कीजिए गुरुदेव। बम 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 भोले ढोंडू, इसे उठाओ गुरुदेव, और गरीबों को खिला दो। द्वारकानाथ, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत अभी तक गई नहीं मंदबुद्धि? ये नाश्ता भिक्षा मांगकर लाई गई सामग्री का नहीं है। तुमने हमारा अपमान किया है मंदबुद्धि। और वैजी ने भी। अब हम यहाँ कभी नहीं रहेंगे। हम जाते हैं। अरे नहीं 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 गुरुदेव, कहीं नहीं जाएंगे द्वारकानाथ जी, कहीं नहीं जाएंगे।
और क्यों जाएंगे? अरे मेरे घर में इतने ज्ञानी ध्यानी पुरुष आए हैं और मैं उन्हें दूसरी जगह भेज दूं? कदापि नहीं, अशक्य। अरे राम 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 राम, द्वारिकानाथ जी आपने अपने गुरुओं के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। राम राम राम, अरे ये तो अंतर्यामी है, तो ये पहचान गए कि आप भिक्षा मांगने गए ही नहीं। अरे लेकिन वैद्य जी, आप भी कुछ नहीं, मेरा ताप मंद बढ़ाइए, अभी आप शीघ्र जाइए भिक्षा मांगने। अरे ये तो महात्मा है, धर्मात्मा है, इन्हें मैं सूखा रखूं, भूखा रखूं? अरे सत्यानाश हो जाए। अरे आप अभी भी यही खड़े हैं? अरे जाइए, शीघ्र जाइए, शीघ्र जाइए, वो भिक्षा की सामग्री भी लेकर आइए, जाइए। गुरुदेव गुरुदेव, हमारे द्वारिका राज जी को क्षमा कीजिए, वो आप समझ रहे ना, आप ही का चेला है। राम राम बम बम भोले, बम भोले, बम बम भोले। मालिक मालिक। साईं, तुम हंस क्यों रहे हो? गुरुदेव, मालिक के बनाए हुए इंसान पर हंस रहा हूं। इंसान अपने आप को बहुत चालाक समझता है, चतुर और होशियार समझता है। उसे लगता है कि उस जैसा दूसरा कोई षड्यंत्रकारी नहीं है। जब वो किसी के नहले पर दहला फेंकता है तो बहुत खुश होता है। लेकिन साईं, जब वक्त करवट बदलता है तब उसके नहले पर भी कोई दूसरा दहला फेंक देता है। इंसान ये जानता नहीं, ऐसा नहीं है गुरुदेव। वो जानता है कि वक्त के आगे सब कुछ झुकना पड़ता है, लेकिन वो झुकना भूल गया है। जब उसको झुकने की बारी आती है तब वो परेशान होता है। इंसान की इसी नादानी पर तो मैं हंस रहा हूं गुरुदेव। मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता है बाबा, इसीलिए मुझे आपका ये फैसला स्वीकार है। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरी वजह से मेरे पति और उनके परिवार के बीच अनबन हुई। मेरी ही वजह से माँ और बेटे में तकरार हुई। साईं बाबा, आप मुझे चाहे जितने दुख दे दें, परंतु मेरे पति को सदा सुखी रखिए। माँ, क्या चाची और जानकी चाची ये घर छोड़कर जा रहे हैं? चुप रहो राजू, वो जा क्यों रहे हैं? मैं जाकर चाचू से पूछता हूँ। अगर तुम्हें भी उनके साथ जाना है तो तुम भी जा सकते हो। मैं जानता हूँ दादी, आप ही ने उन्हें जाने के लिए कहा होगा। राजू! दादी माँ, आप दुष्ट हैं, दुष्ट। राजू! गुरुदेव। हाँ? चाय। वाह साईं वाह, संभल के गुरुदेव। गुरुदेव, इंसान की जिंदगी में आने वाला हर तूफान चाय के प्याले में आने वाले तूफान की तरह होना चाहिए, जो इंसान को कोई खतरा पैदा न करे।
उसे असुरक्षित महसूस न होने दे। साईं, चाय के प्याले में आने वाला तूफान चाय के प्याले से बाहर नहीं जाता। हाँ गुरुदेव, ऐसा तूफान घर की चार दीवारी के अंदर ही रहेगा और वहीं खत्म हो जाएगा। फिर न मतभेद होंगे, न मन में कड़वाहट पैदा होगी, न रिश्तों में दरार आएगी। और साईं, अगर चाय के प्याले में आने वाले तूफान ने भी अपनी हद पार कर दी तो इंसान की जिंदगी में प्रलय आ जाएगी गुरुदेव, उसके जीवन की लय बिगड़ जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सारे रिश्ते इस प्रलय में ही विलय हो जाएंगे। रिश्ता और रिश्तेदार इंसान का सहारा होते हैं, आधार होते हैं। जब रिश्तेदार ही रिश्ते से मुंह मोड़कर इंसान की जिंदगी में तूफान खड़ा कर देते हैं, तब इंसान के दिल पर ऐसी गहरी चोट पड़ती है जो फिर जिंदगी भर नहीं भरती। चाचू, चाचू, राजू, चाचू मत जाओ ना, चाची मत जाओ ना। राजू, अब तुम बड़े हो गए हो, रोते नहीं, और हम तुम्हें छोड़कर थोड़ी जा रहे हैं, बस इस घर से निकलकर वहां दूसरे घर में जा रहे हैं। रघु चाचा, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं माँ, तुम बोलो ना चाचा चाची को, घर छोड़कर मत जाएं। चाचू, रघु भैया, मेरे भाई, रोको, रोको से, मत जाने दो। चाचू, वो तो घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, उसे मत जाने दो, मत जाने दो। ये तुम्हारा इंसान कैसा है मालिक, जो खुद अपने भाग्य को ठोकर मारता है, इतना ना समझ। अहंकार के कारण आंखों से भी अंधा है, कानों से भी बहरा है, पाप पुण्य के बारे में सोचता भी नहीं है, ना उसे किसी के आंसू पिघलाते हैं, ना उसके मन में दया आती है। तुम्हारा इंसान पत्थर दिल है मालिक, और मूर्ख भी है, अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी चलाता है, अधोपतन की सीढ़ियां उतरते हुए अपने उत्कर्ष का, अपने उद्धार का मार्ग ढूंढता है। सबका मालिक।
Hey.